बिस्मिल्लाइक हेलो एंड वेलकम चैप्टर आई एम राहल अहमद आई यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद एंड सर्विंग एज ए लेक्चर एट जी सी यूनिवर्सिटी चिन्होड कैंपस आज के लेक्चर हम लीनियर सिस्टम के जनरल सोल्यूशन पर बात करेंगे और इसकी कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे तो चलें स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं किसी भी मैट्रिक्स की प्योर्ड पोजिशंस कौन सी होती हैं अ प्यवर पोजिशन ऑफ अ मैट्रिक्स इज अ लोकेशन इन अ मैट्रिक्स ए डेट कोरस्पॉन्ड्स टू अ लीडिंग एंट्री इन रो एचिल फॉर्म मतलब मैट्रिक्स को एचिलॉन फॉर्म में चेंज करने के बाद जो उसकी लीडिंग एंट्रीज होंगी वो उसकी प्यर्ड पोजिशन होंगी फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मैट्रिक्स गिवन है और इसकी एचिलॉन फॉर्म भी गिवन है मतलब कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के रो इक्वलेंट है और एचिलॉन फॉर्म में है मतलब कि इस मैट्रिक्स में एच इन फॉर्म की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं अब हम देखते हैं इस मैट्रिक्स की पीवड पोजिशन कौन सी है उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए इस मैट्रिक्स की लीडिंग एंट्रीज कौन सी होती हैं तो आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स की रो वन की जो लीडिंग एंट्री वन है रो टू की लीडिंग एंट्री टू है रो थ्री की लीडिंग एंट्री माइनस फाइव है रो फोर में कोई लीडिंग एंट्री नहीं है तो ये हमारे पास पोजीशंस या लोकेशंस इसकी पीवड पोजीशंस हो जाएंगी अब हम देखते हैं पीवर्ड कॉलम कौन सा होता है तो जिस कॉलम में पीवर्ड पोजीशन पड़ी हो उस कॉलम को हम पीवर्ड कॉलम कहेंगे जैसे कि कॉलम वन कॉलम टू और कॉलम फोर ये हमारे पास पीवर्ड कॉलम हो जाएंगे तो इस मैट्रिक्स के टोटल फाइव कॉलम से तो आपने देखा फाइव में से जो थ्री है नंबर वन नंबर टू और नंबर फोर ये हमारे पास पीवर्ड कॉलम आए तो इसका मतलब ये हुआ जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स का हर कॉलम पीवड कॉलम हो एग्जाम्पल आपके सामने अब इस मैट्रिक्स की पीवड पोजीशन देखते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए इस मैट्रिक्स की एचिलोन फॉर्म कौन सी है तो इस मैट्रिक्स की ये एचिलोन फॉर्म है मतलब कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के रो इक्वेलेंट है और एचिलोन फॉर्म में है मतलब कि इस मैट्रिक्स में एचिलोन फॉर्म की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं अब हम देखते हैं इस मैट्रिक्स की पीवड पोजिशन कौन सी है उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए इस मैट्रिक्स की लीडिंग एंट्रीज कौन सी हैं तो रो वन की लेफ्ट मोस्ट नॉन ज़ीरो एंट्री वन है तो ये इसकी लीडिंग एंट्री हो गई रो टू की लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो एंट्री वन है तो ये इसकी लीडिंग एंट्री हो गई रो थ्री की लेफ्ट मोस्ट नॉन ज़ीरो एंट्री वन है तो ये इसकी लीडिंग एंट्री हो गई तो यही इसकी पीवड पोजिशन हो जाएंगी अब हम देखते हैं पीवड कॉलम्स कौन से हैं तो आप देख सकते हैं कॉलम नंबर वन कॉलम नंबर टू और कॉलम नंबर फोर ये इसके पीवड कॉलम्स हो जाएंगे क्योंकि okay, इसमें पीवड पोजिशन पड़ी हुई हैं अब हम देखते हैं इस मैट्रिक्स की पीवड पोजिशन कौन सी हैं ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का रो इक्विलेंट है और ये मैट्रिक्स एचिलन फॉर्म में है मतलब कि इस मैट्रिक्स में एचिलोन फॉर्म की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं अब हम इसकी पीवड पोजिशन देखते हैं इससे पहले हमें इस मैट्रिक्स की लीडिंग एंट्रीज का पता होना चाहिए तो रो वन की लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो एंट्री वन है तो ये इसकी लीडिंग एंट्री हो गई रो टू की लेफ्ट मोस्ट जीरो एंट्री वन है तो ये इसकी लेडी एंट्री हो गई रो थ्री में कोई भी लेडी एंट्री नहीं है तो यही इसकी पीवड पोजिशन हो जाएंगी तो इस मैट्रिक्स के पीवड कॉलम कौन से होंगे कॉलम वन और कॉलम टू हमारे पास पीवड कॉलम हो जाएंगे इसका मतलब ये हुआ इस मैट्रिक्स के टोटल फोर कॉलम से जिनमें से कॉलम वन और कॉलम टू इस मैट्रिक्स के पीवड कॉलम्स आए तो इसका मतलब ये हुआ जब भी आप कोई सा भी मेट्रिक्स गिवन होगा और कहा जाएगा उसकी प्यवर्ड पोजिशन्स बताएं तो आपने उस मैट्रिक्स को एच फॉर्म में चेंज करना है एच फॉर्म में चेंज करने के बाद जो उसकी लीडिंग एंट्रीज होंगी वो उसकी पीवर्ड पोजिशन होंगी और जिन कॉलम्स में प्यवर्ड पोजिशन्स पड़ी होंगी वो कॉलम्स उसके पीवर्ड कॉलम्स हो जाएंगे बेसिक एंड फ्री वेरिएबल्स अ वेरिएबल डेट कोरस्पोंड्स टू अ प्यवर्ड कॉलम इज टू बी बेसिक वेरिएबल्स मतलब पीवर्ड कॉलम्स के वेरिएबल्स को हम बेसिक वेरिएबल्स कहा करेंगे अ वेरिएबल डेट कॉरेस्पॉन्ड्स टू नॉन पीवड कॉलम इज सेट टू बी फ्री वेरिएबल्स मतलब कि नॉन पीवड कॉलम्स के वेरिएबल्स को हम फ्री वेरिएबल्स कहा करेंगे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लीनियर सिस्टम का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स गिवन है तो जिसके टोटल फोर कॉलम्स हैं तो चूंकि ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है तो इसका लास्ट वाला कॉलम बी वाला कॉलम है इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा लीनियर सिस्टम है जिसमें टोटल थ्री वेरिएबल्स है अब हम देखते हैं इसमें कितने वेरिएबल्स बेसिक्स हैं और कितने फ्री हैं तो याद रखिएगा कि एक ऐसा पॉसिबल है कि एक लीनियर सिस्टम के तमाम वेरिएबल्स फ्री हो जाएं या ऐसा पॉसिबल है कि एक लीनियर सिस्टम के तमाम वेरिएबल्स बेसिक्स हो जाएं या ऐसा पॉसिबल है कि कुछ वेरिएबल्स फ्री हो जाएं और कुछ बेसिक हो जाएं तो अभी हम देखते हैं क्या पॉसिबल है हमारे लिए तो सबसे पहले देखते हैं इसकी लीडिंग एंट्रीज़ कौन सी हैं तो रो वन की लेफ़्ट मोस्ट नॉन जीरो एंट्री वन है तो इसका मतलब ये हुआ ये इसकी लीडिंग एंट्री हो गई रो टू की लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो एंट्री वन है तो ये इसकी लीडिंग एंट्री होगी रो थ्री की कोई लीडिंग एंट्री नहीं है तो यही इसकी पीवर्ड पोजिशन हो जाएंगी अगर ये पीवर्ड पोजिशन हैं तो ये दो कॉलम्स इसके पीवर्ड कॉलम्स हो जाएंगे मतलब कॉलम वन और कॉलम टू इसके पीवर्ड कॉलम्स हैं तो डेफिनेशन हमें क्या कह रही है कि पीवर्ड कॉलम्स के जो वेरिएबल्स हैं वो बेसिक वेरिएबल हो जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ एक्स वन एंड X2 टू आर बेसिक वेरिएबल्स और डेफिनेशन हम ये कह रही है कि नॉन पीवर्ड कॉलम्स के जो वेरिएबल्स होंगे वो फ्री वेरिएबल्स होंगे तो इसका मतलब ये हुआ जो कॉलम थ्री है वो प्यर्ड कॉलम नहीं है मतलब कि नॉन पीवर्ड कॉलम है तो इसका जो वेरिएबल है वो फ्री हो जाएगा एंड एक्स थ्री इज़ फ्री अब इस मैट्रिक्स के वेरिएबल्स की बात करते हैं तो चूंकि ये अगुमेंटेड मैट्रिक्स गिवन है तो लास्ट जो कॉलम है हमारे पास बी कॉलम है तो इसमें आप देख सकते हैं बाकी फाइव कॉलम्स हैं तो अब हमने देखना है इन पांच वेरिएबल्स में कितने बेसिक हैं और कितने फ्री हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी लीडिंग एंट्रीज कौन सी हैं तो रो वन की लेफ्ट मोस्ट नॉन ज़ीरो एंट्री थ्री है तो ये इसकी लीडिंग एंट्री हो गई रो टू की लेफ्ट मोस्ट नॉन ज़ीरो एंट्री टू है तो ये इसकी लीडिंग एंट्री हो गई तो रो थ्री की लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो एंट्री वन है तो ये इसकी लीडिंग एंट्री हो गई तो इसका मतलब ये हुआ ये लीडिंग एंट्रीज इसकी पीवड पोजीशंस है मतलब कि कॉलम वन कॉलम टू और कॉलम फाइव हमारे पास पीवड कॉलम हो गया अगर ये पीवड कॉलम्स हैं तो इनके वेरिएबल्स बेसिक वेरिएबल्स हैं मतलब कि एक्स वन एक्स टू एंड एक्स फाइव आर बेसिक वेरिएबल्स तो बाकी हमारे पास कितने वेरिएबल्स रह गए X3 और X4, X3 और X4, X3 एंड x4 फोर आर फ्री वेरिएबल्स इसका मतलब यह हुआ कि मैट्रिक्स को एचिलोन फॉर्म में चेंज करने के बाद अगर एक में नॉन पीवर्ड कॉलम आ गया तो इसका मतलब यह होगा उसका जो वेरिएबल है वो फ्री वेरिएबल होगा बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं वो बेसिक वेरिएबल्स होंगे जनरल सोल्यूशन ऑफ आ लीनियर सिस्टम अब क्वेश्चन ये है कि एक लीनियर सिस्टम का जनरल सोल्यूशन कब होगा तो याद रखिएगा अगर लीनियर सिस्टम में एक भी फ्री वेरिएबल आ गया तब हम कहेंगे उस सिस्टम का सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन है मतलब लीनियर सिस्टम के ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एचिलॉन फॉर्म में चेंज करने के बाद अगर एक भी नॉन पीवर्ड कॉलम आ गया तब हम कहेंगे उस सिस्टम का सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन है अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है तो देखते हैं इनके सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन है या नहीं तो एग्जाम्पल नंबर वन में मेरे पास एक लीनियर सिस्टम का ऑगमेंटेड मेट्रिक गिवन है तो देखते हैं इसका सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन है या नहीं तो सबसे पहले हम इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एचिलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के रो इक्विलेंट है और एचिल फॉर्म में मतलब कि इस मैट्रिक्स में एचिलॉन फॉर्म की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं अब अगर इस मैट्रिक्स में एक भी नॉन प्योअर्ड कॉलम आ गया तब हम कहेंगे गिवन अबव सिस्टम का सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन होगा अदरवाइज नहीं तो सबसे पहले देखते हैं इस मैट्रिक्स की प्यर्ड पोजिशन कौन सी हैं तो अगर तो इस मैट्रिक्स की ये लीडिंग एंट्रीज है हमारे पास तो यही इसकी प्यर्ड पोजिशन हो जाएंगी क्योंकि ये मैट्रिक्स एच फॉर्म में है अब ये प्योर्ड पोजिशन जिन कॉलम पड़ी हुई हैं उन कॉलम्स को हम प्योअर्ड कॉलम्स कहेंगे मतलब कि कॉलम वन और कॉलम टू हमारे पास प्योअ कॉलम्स हो गए अब बाकी जितने भी कॉलम्स है वो नॉन प्यूर्ड कॉलम्स हो जाएंगे मतलब कि कॉलम थ्री हमारे पास नॉन प्यूर्ड कॉलम हो गया इसका मतलब ये हुआ इस सिस्टम का जो सोल्यूशन है वो जनरल सोल्यूशन होगा सो गिवन अब सिस्टम हैज जनरल सोल्यूशन बिकॉज एक्स थ्री इज फ्री क्योंकि एक्स थ्री यहां पे फ्री वेरिएबल है इसलिए इस सिस्टम का जो सोल्यूशन है वो जनरल सोल्यूशन होगा अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं इसमें चूंकि एक्स थ्री फ्री है एक्स थ्री इज फ्री तो इस मैट्रिक्स की सेकेंड रो से हम लिख सकते हैं माइनस एक्स टू इज इक्वल टू माइनस फोर फर्स्ट रो को देखते हुए एक्स वन प्लस फोर एक्स टू इज इक्वल टू सेवन अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं एक्स थ्रीज में फ्री है एक्स थ्री फ्री दिस इम्प्लाइज रेट एक्स टू इज इक्वल टू फोर एक्स टू इज इक्वल टू फोर अब एक्स टू की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है एक्स वन में एक्स वन प्लस फोर मल्टीप्लाई ऑफ़ फोर इज इक्वल टू सेवन दिस इंप्लाइज डेट सेवन माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू माइनस नाइन तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया एक्स वन इज इक्वल टू माइनस नाइन एक्स टू इज इक्वल टू फोर एक्स थ्री हमारे पास फ्री वेरिएबल हो जाएगा तो ये हमारे पास इस सिस्टम का जनरल सोल्यूशन होगा एग्जाम्पल नंबर टू में मेरे पास एक लीनियर सिस्टम का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स गिवन है और हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है तो सबसे पहले देखते हैं इस सिस्टम का सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन है या नहीं तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑलरेडी एचिलन फॉर्म में है तो अगर तो इस मैट्रिक्स में एक भी नॉन पीवर्ड कॉलम आ गया तब हम कहेंगे इस सिस्टम का सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन है अदरवाइज नहीं तो उससे पहले देखते हैं इस मैट्रिक्स की कौन कौन सी प्यर्ड पोजिशन है तो अगर तो इस मैट्रिक्स की ये लीडिंग एंट्रीज हैं तो यही इसकी प्यवर्ड पोजिशन हो जाएंगी क्योंकि ये मैट्रिक्स एचिलॉन फॉर्म में है तो ये प्यवर्ड पोजिशन जिन कॉलम्स में पड़ी हुई हैं उन कॉलम्स को हम प्यवर्ड कॉलम्स कहेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कॉलम वन कॉलम टू और कॉलम फाइव ये पीवर्ड कॉलम है बाकी जितने भी कॉलम्स हैं वो नॉन पीवर्ड कॉलम्स हैं मतलब कॉलम थ्री और कॉलम फोर ये नॉन पीवर्ड कॉलम्स हैं तो इसमें हमें एक नहीं दो नॉन पीवर्ड कॉलम्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ इस सिस्टम का सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन है सो गिवन अब सिस्टम हैज जनरल सोल्यूशन बिकॉज एक्स थ्री एंड एक्स फोर आर फ्री क्योंकि इसमें एक्स थ्री और एक्स फोर फ्री वेरिएबल्स हैं अब हमने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या हो जाएगा इसमें आप देख सकते हैं रो थ्री से एक्स फाइव की जो वैल्यू है जीरो है एक्स फाइव इज इक्वल टू जीरो एक्स थ्री और एक्स फोर फ्री हैं, एक्स फोर इज फ्री X3 is इज अब रो टू से मैं लिख सकता हूँ x2 टू माइनस सिक्स एक्स थ्री माइनस थ्री एक्स फोर इज इक्वल टू टू रो वन को देखते हुए हम लिख सकते हैं x1 वन प्लस टू एक्स टू माइनस फाइव एक्स थ्री माइनस सिक्स एक्स फोर इज इक्वल टू माइनस फाइव अब हमने इसको सिम्प्लीफाई करना है तो आप इसमें देख सकते हैं तीन वेरिएबल्स हैं एक एक्स टू है एक एक्स थ्री और एक एक्स फोर है तो हमेशा याद रखिएगा बेसिक वेरिएबल्स को फ्री वेरिएबल्स के टर्म्स में लिखना है मतलब कि एक्स थ्री और एक्स फोर दूसरी साइड पे चले जाएंगे इसी तरह इसमें एक्स वन है एक्स टू है एक्स थ्री है एक्स फोर है इसमें एक्स थ्री और एक्स फोर फ्री वेरिएबल्स हैं ये दूसरी साइड पे चले जाएंगे जबकि एक्स टू की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करेंगे अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x5 फाइव इज इक्वल टू जीरो एक्स फोर इज फ्री एक्स थ्री इज फ्री अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इस इक्वेशन को x2 टू माइनस सिक्स एक्स थ्री माइनस थ्री एक्स फोर इज इक्वल टू इसको सिंप्लीफाई किया है एक्स टू इज इक्वल टू टू प्लस सिक्स एक्स थ्री प्लस थ्री एक्स फोर तो x2 को x3 और x4 के टाउन में लिखा तो यहाँ वैल्यूपुट की पुट टू इज इक्वल टू टू प्लस सिक्स एक्स थ्री प्लस थ्री एक्स फोर अब हमें एक्स वन की वैल्यू चाहिए इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं एक्स वन प्लस टू एक्स टू माइनस फाइव एक्स थ्री माइनस सिक्स एक्स फोर इज इक्वल टू माइनस फाइव अब x2 की वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर दी x1 वन प्लस टू मल्टीप्लाई बाय टू प्लस सिक्स एक्स थ्री प्लस थ्री एक्स फोर माइनस फाइव एक्स थ्री माइनस सिक्स एक्स फोर इज इक्वल टू माइनस फाइव अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं एक्स वन प्लस फोर प्लस ट्वेल्व एक्स थ्री प्लस सिक्स एक्स फोर माइनस फाइव एक्स थ्री माइनस सिक्स एक्स फोर इज इक्वल टू माइनस फाइव इसको सिंप्लीफाई किए प्लस माइनस कैंसिल हो गए एक्स वन प्लस फोर उस साइड पे जाके माइनस हो गया माइनस फाइव माइनस फोर ये प्लस ट्वेल्व एक्स थ्री है ये माइनस फाइव एक्स थ्री है माइनस ट्वेल्व एक्स थ्री प्लस फाइव एक्स थ्री इसको सिंप्लीफाई किया एक्स वन इज इक्वल टू माइनस नाइन माइनस सेवन एक्स थ्री तो एक्स वन की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी हम एक्स वन इज इक्वल टू माइनस नाइन माइनस सेवन एक्स थ्री तो ये हमारे पास इस सिस्टम का जनरल सोल्यूशन आ गया जिसमें एक्स थ्री और एक्स फोर फ्री हैं तो हमने बेसिक वेरिएबल्स को फ्री वेरिएबल्स की टर्म्स में लिखना है एग्जाम्पल नंबर थ्री में हमारे पास एक लीनियर सिस्टम की बन है जिसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है तो उसके लिए हम सबसे पहले उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स गिवन अब सिस्टम का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसके बाद हम देखेंगे क्या इस सिस्टम का जनरल सोल्यूशन है या नहीं तो उसके लिए हम इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एचिल फॉर्म में चेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के रो इक्वेलेंट है और एचिल फॉर्म में है मतलब कि इस मैट्रिक्स में एचिल फॉर्म की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं अब अगर इस मैट्रिक्स में एक भी नॉन प्यूर्ड कॉलम आ गया तब हम कहेंगे इस सिस्टम का सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन है अदरवाइज नहीं तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस मैट्रिक्स की प्यवर्ड पोजिशन चाहिए तो आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स की ये लीडिंग एंट्रीज हैं तो यही इसकी पीवर्ड पोजिशन हो जाएंगी क्योंकि ये एचिल फॉर्म में है अब ये पीवर्ड पोजीशंस जिन कॉलम में पड़ी हुई हैं उन कॉलम्स को हम पीवर्ड कॉलम्स कहेंगे मतलब कि कॉलम वन कॉलम थ्री और कॉलम फाइव ये इसके पीवर्ड कॉलम्स हो गए बाकी जितने भी कॉलम्स हैं वो नॉन पीवर्ड कॉलम्स हो जाएंगे मतलब कि कॉलम टू और कॉलम फोर ये नॉन पीवर्ड कॉलम्स हो गए अब इसमें एक नहीं दो नॉन पीवर्ड कॉलम्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ इस सिस्टम का जो सोल्यूशन है वो जनरल सोल्यूशन होगा सो गिवन अबव सिस्टम हैज जनरल सोल्यूशन बिकॉज इसमें फ्री वेरिएबल्स हैं हमारे पास एक्स टू एक्स फोर एक्स टू एंड एक्स फोर आर थ्री अब इसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा हमारे पास अब इस मैट्रिक्स में रो थ्री को देखते हो हम कह सकते हैं एक्स फाइव की जो वैल्यू है वो सेवन है एक्स फोर इसमें थ्री है अब एक्स थ्री की वैल्यू लिखते हैं एक्स थ्री माइनस फोर एक्स फोर इज इक्वल टू फाइव माइनस फोर एक्स फोर इज इक्वल टू फाइव इसमें दो वेरिएबल्स हैं एक्स थ्री और एक्स फोर एक्स थ्री हमारे पास बेसिक वेरिएबल है एक्स फोर हमारे पास फ्री वेरिएबल है तो बेसिक वेरिएबल्स को फ्री वेरिएबल्स के टर्म्स में लिखना है मतलब कि एक्स उस साइड पे चला जाएगा सिंपलीफाई किया दिस इंप्लाइज एड x3 थ्री इज इक्वल टू फाइव प्लस फोर एक्स फोर तो x3 की ये वैल्यू यहां पुट कर दी x3 थ्री इज इक्वल टू फाइव प्लस फोर एक्स फोर एक्स टू हमारे पास फ्री है अब एक्स वन की वैल्यू हमें चाहिए तो इस मैट्रिक्स में एक्स वन प्लस सिक्स एक्स टू प्लस थ्री एक्स फोर इज इक्वल टू जीरो अब इस इक्वेशन में तीन वेरिएबल्स हैं एक्स वन एक्स टू और एक्स फोर एक्स वन हमारे पास बेसिक वेरिएबल है एक्स टू और एक्स फोर फ्री वेरिएबल्स है तो हमने बेसिक वेरिएबल्स को फ्री वेरिएबल्स की टर्म्स में लिखना है मतलब कि एक्स वन एक्स टू और एक्स फोर उस साइड पर चले जाएंगे दिस इम्प्लाइज डेट एक्स वन इज इक्वल टू माइनस सिक्स एक्स टू माइनस थ्री एक्स फोर तो एक्स वन की ये वैल्यू यहाँ पे पुट की एक्स वन इज इक्वल टू माइनस सिक्स एक्स टू माइनस थ्री एक्स फोर तो ये हमारे पास इस सिस्टम का जनरल सोल्यूशन होगा अब हमारे पास एक थेरम गिवन है

कि किसी भी लीनियर सिस्टम का जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट तब करेगा या वो लीनियर सिस्टम कंसिस्टेंट तब होगा अगर उसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो राइट मोस्ट कॉलम है वो प्योर कॉलम ना हो मतलब कि उसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में जो लास्ट रो है वो इस तरह की ना हो इस फॉर्म में ना हो जिसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके ऑप्शन जीरो हो जाए और बी वाली एंट्री नॉन जीरो हो जाए अब यूनिकनेस की बात करते हैं इफ अ लीनियर सिस्टम इज कंसिस्टेंट देन सिस्टम हैज नंबर वन यूनिक सोल्यूशन देयर आर नो फ्री वेरिएबल्स कि अगर सिस्टम का सोल्यूशन कंसिस्टेंट है तो यूनिक तब होगा अगर उसमें कोई भी फ्री वेरिएबल नहीं होगा नंबर टू इन फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन वैन देर इज एट लीस्ट वन फ्री वेरिएबल मतलब कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस यह जनरल सोल्यूशन तब होगा अगर उसमें कम अज कम एक फ्री वेरिएबल हो इसका मतलब ये हुआ ये थेरम हमें बता रहा है कि, कि किसी भी लीनियर सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट तब करेगा अगर उसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में राइट मोस्ट कॉलम पीवर्ड कॉलम ना हो और अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो यूनिक तब होगा अगर कोई भी फ्री वेरिएबल ना हो और इन मेनी मैनी सोल्यूशन तब होंगे अगर कम अज कम एक फ्री वेरिएबल हो आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन थैंक यू